Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 6th January 2022. I'm sure children you all are taking very good care of yourselves and do keep on following all the COVID protocols, do keep on taking all the safety precautions and keep yourself safe not only from coronavirus but from this cold weather also. Stay happy, healthy and safe children. As you all know, we have started with chapter number 16 and the name of the chapter is The Earth and the Sky. So here I am with one more video from this same chapter and I expect you to children turn to page number 100. Okay, page number 100 आप खोलो. The Earth and the Sky. ठीक है, जैसे कि हमको नाम तो समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और स्काई के बारे में पढ़ेंगे. अर्थ के बारे में हमने पढ़ा कि अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. अर्थ जो है वो किससे ढकी हुई है? लैंड मतलब जमीन और वाटर दैट इज पानी. ठीक है, और हमारे चारों तरफ क्या है? वी आर सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ एयर. हमारे चारों तरफ ऑब्वियसली एयर है, नहीं तुम सांस कैसे लेंगे? तो हमारे चारों तरफ एयर है. एयर इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ती है. एयर के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अर्थ जो है दैट इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. 70% इज वाटर, ओनली 30% इज लैंड. उस लैंड पे हम लोग रहते हैं एंड वी शेयर द लैंड विथ अदर प्लांट्स एनिमल्स. पानी में भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं एंड वॉट एवर इज ग्रोन, जो भी मैन्युफैक्चर होता है, जो भी बनता है, सब कुछ इस धरती पे ही है, लैंड पे ही होता है. ठीक है, तो लैंड के बारे में हमने पढ़ा. देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट लैंड टाइप्स कि कहीं कहीं पे लैंड प्लेन होती है, कहीं कहीं पे लैंड ऊंची जाती है. जहाँ ऊंची जाती है दे फॉर्म हिल्स एंड माउंटेन्स. थोड़े जो ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको हिल्स बोलते हैं और बहुत जो ऊंचे पहाड़ होते हैं दे आर माउंटेन्स. माउंटेन्स पे बर्फ रहती है गर्मियों में, व्हेन द स्नो मेल्ट्स, तो वो रिवर के फॉर्म में पानी नीचे आता है एंड दैट वाटर इज कंज्यूम. वो नीचे पहाड़ों से पानी गिर करके वो नीचे आके दूसरी नदियों में मिल जाता है. ठीक है, तो कहीं पे हिल जो है वो प्लेन है, प्लेन में भी कहीं पे ग्रास हो सकती है, मतलब ग्रास मतलब जहाँ पे ग्रीनरी है. और कुछ जगहों पे द प्लेन लैंड इज कवर्ड विथ सैंड. कुछ जगहों पे भी नहीं, ओनली हमारे इंडिया में सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान में जो लैंड है दैट इज कवर्ड विथ स्नो. पूरा वो डेजर्ट है. ठीक है, रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं. हिल्स है, माउंटेन्स है, और माउंटेन्स दो माउंटेन्स के बीच का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो नीचे जो गहरा जो आता है उसको कहते हैं वैली. दैट पार्ट इज नोन एज वैली. द लोअर पार्ट बिटवीन टू माउंटेन्स इज नोन एज वैली. ओके, तो ये हमने पढ़ा था लैंड के बारे में. वाटर बॉडीज हमने पढ़ा. वाटर बॉडीज में क्या है? सीज आर देयर, ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं. दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज. मेनली हमें पानी कहाँ से मिलता है? जो हम वाटर कंज्यूम करते हैं वी गेट मोस्टली फ्रॉम रिवर्स. हर एक सिटी में जो वहाँ की जो भी रिवर है, ऑफकोर्स दैट इज फर्स्ट पहले उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद ही फिर वो हम कंज्यूम करते हैं. एंड मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन. बारिश जब होती है तो जितने भी अंडरग्राउंड सोर्सेज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सब पानी से भर जाते हैं एंड दैट वाटर इज कंज्यूम लेटर. ठीक है, फिर वाटर स्पोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, जैसे स्कूबा डाइविंग है, रिवर राफ्टिंग है, बोटिंग है, सी सर्फिंग है. दीज आर सम ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स. नाउ चिल्ड्रन टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्काई. ठीक है, अर्थ और स्काई दो एक्सट्रीम है. अर्थ के नीचे क्या है? वी डू नॉट नो. ठीक है, स्काई के बियॉन्ड क्या है? वी डू नॉट नो. स्काई के बियॉन्ड क्या है हमको नहीं पता, और अर्थ के नीचे क्या है? अर्थ के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे वाटर सोर्स ऑफ वाटर इज देयर, बहुत तरह के लेयर्स ऑफ रॉक्स आर देयर, मिनरल्स हैं, ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट हमारे लिए मतलब एक एक्सट्रीम अर्थ है वेयर वी स्टैंड एंड स्काई आसमान. ठीक है, तो व्हेन वी लुक अबव अस, आप घर से जब बाहर निकलते हो, घर के अंदर तो ऑब्वियसली आप ऊपर देखोगे तो हमें घर की रूफ दिखाई पड़ेगी, बट व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ आवर होम्स एंड व्हेन वी लुक अप व्हाट डू वी सी? ऊपर जब देखते हैं तो हमें ब्लू स्काई नजर आता है. ऑन अ ब्राइट सनी डे द स्काई लुक्स ब्लू. अभी जैसे थोड़ा वेदर बहुत क्लियर नहीं है तो हमें ब्लू स्काई बहुत नहीं भी दिखाई पड़ता है, थोड़ा ग्रे ग्रे सा दिखता है. रेनी सीजन में वी डू नॉट सी ब्लू स्काई. जब क्लाउडी होता है तो हमें ग्रे सा स्काई दिखता है. बट वी सी स्काई अबव अस. हमारे ऊपर क्या है? हमारे ऊपर आसमान है. ठीक है,
So page number 100, the sky. We see the blue sky far above the earth. अभी धरती और आसमान के बीच में कितना डिस्टेंस है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो जब हम ऊपर देखते हैं हमें स्काई दिखाई पड़ता है, फार अबव द अर्थ मतलब धरती से बहुत ऊंचा। ड्यूरिंग द डे वी सी द ब्राइट सन ऑन सनी डेज एंड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो हमें स्काई ऊपर दिखाई पड़ता है, जैसे जब गर्मी के दिन में स्काई जब व्हेन इट इज ब्राइट एंड सनी तो हमें क्या, हमें ब्लू स्काई दिखाई पड़ता है, द स्काई लुक्स ब्लू। व्हाइट क्लाउड्स दिखाई पड़ते हैं, रेनी डे जब होता है तो हमें स्काई थोड़ा ग्रे ग्रे दिखाई पड़ता है, क्लाउड्स भी व्हाइट बिल्कुल नहीं होते हैं, थोड़े ग्रेइश से क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। सन होता है, सन शाइन्स ब्राइटली, इट गिव्स अस लाइट, इट गिव्स अस हीट, वी ऑल नो। अच्छा, अभी डे एंड नाइट, जैसे हम कहते हैं ना कि द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड इट सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। सो नाउ चिल्ड्रेन, डू यू थिंक कि सन कोई ऐसी चीज है कि वो सुबह बाहर निकल आता होगा और शाम को अंदर छिप जाता होगा? सन कोई ऐसी चीज है? सन ऐसी चीज तो नहीं है, ठीक है। इट इज ऑलवेज देयर इन द स्काई। डे एंड नाइट कैसे फॉर्म होते हैं? डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अभी मैंने जैसे आपको ग्लोब दिखाया था, मैं भी फिर से ग्लोब दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये ग्लोब दिखाया था कि ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, तो हमारी जो अर्थ है वो रियलिटी में भी अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे करके घूमती रहती है, ठीक है। एंड एक दिन में, इन वन डे, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन। पूरा सन का एक रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स, ठीक है। तो ऐसे 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 घूमती रहती है, सन तो अपनी जगह पे है, तो अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो अर्थ का जो पार्ट, जब सन का रोटेशन लगाते टाइम अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आता है, उन कंट्रीज में, जैसे मैंने बताया था कि ये ग्लोब जो है ये अर्थ का मॉडल है, एंड ऑल द कंट्रीज आर मार्क्ड ऑन दिस ग्लोब, ठीक है। तो वैसे तो हम अर्थ को स्टडी नहीं कर सकते, तो ऐसे जब अर्थ घूमती रहती है और ऐसे घूमते 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 घूमते, जैसे यूं घूमती रहती है, ऐसे घूमते घूमते सन का एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो अर्थ के जो, अर्थ का जो पार्ट, जो कंट्री जब सन के सामने आती है, तो वहाँ पे क्या होता है? डे हो जाता है, लाइट हो जाती है। एंड जब घूमते घूमते सन के पीछे आ जाती है तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री भी क्या है, जिस समय जब घूमते घूमते हमारी जो कंट्री है इंडिया, जब वो सन के सामने आनी शुरू होती है तो हमारे यहाँ दिन शुरू होता है। सुबह सुबह इतनी तेज धूप नहीं रहती है ना, लाइट होती है, धीरे 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 लाइट तेज होती जाती है। अराउंड आफ्टरनून, अराउंड 12 से लेकर के 2 के बीच में सन एकदम ब्राइट उस समय रहता है, बहुत तेज धूप रहती है उस समय। जो हमारी अर्थ है, मतलब हमारी जो कंट्री है, वो सन के एकदम सामने रहती है, ठीक है। एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि उसके बाद फिर धूप कम होती जाती है, मतलब अर्थ घूमती जाती है, तो हमारी कंट्री जो है वो सन के साइड में होते होते जब एकदम पीछे आ जाती है, देन इट बिकम्स एब्सोल्युटली डार्क, ठीक है। सो सन, मून एंड स्टार्स, ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर इन द स्काई। सन है, मून है, स्टार है, ये तीनों चीजें हमेशा ही स्काई में रहती है ड्यूरिंग डे। जैसे हमारे यहाँ, जब हमारी कंट्री में और बहुत सारी कंट्रीज में जब डे टाइम है, तो बहुत सारी कंट्रीज में रात भी होगी, तो वहाँ पे उन्हें उस समय मून और स्टार्स दिखाई पड़ते होंगे। और जब हमारे यहाँ रात हो जाती है, बहुत सारी कंट्रीज में जब रात होती है, तो वी सी सन एंड सन, मून एंड स्टार्स इन द स्काई। जहाँ जिस कंट्री में दिन होता होगा वो लोग मून, सॉरी, सन देखते हैं, ओके। तो सन, मून एंड स्टार्स, दीज आर द थिंग्स। ऑफ कोर्स पूरा सोलर सिस्टम है और हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, बट राइट नाउ अभी आपके लिए बस सन, मून एंड स्टार जरूरी है जानना। तो सन, मून एंड स्टार्स, ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर इन द स्काई, हमेशा स्काई में रहते हैं। इट इज जस्ट दैट कि ड्यूरिंग डे टाइम, बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, दिन में सन की ब्राइट लाइट की वजह से हम सिर्फ सन को ही देख पाते, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इनविजिबल टू अस, हमें सन की ब्राइट लाइट की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है। जब हमारी कंट्री सन के पीछे आ जाती है, जब हमारे यहाँ डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब सन की लाइट नहीं रहती है, देन वी सी स्टार्स एंड मून, तब स्टार्स और मून की जो ट्विंकलिंग है वो हमें दिखाई पड़ती है। अदरवाइज दे आर ऑलवेज देयर, ठीक है। हमेशा ये सारी चीज़ें हमेशा स्काई में रहती हैं, ठीक है। सो ऑन सनी डेज द स्काई लुक्स ब्लू, वी कैन सी द सन, व्हाइट क्लाउड्स एंड
और भी जो चीज़ें हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, सारी चीज़ें दिन में दिखाई पड़ती हैं। दिन में सन बहुत तेज चमकता है, इट शाइन्स ब्राइटली, एंड तेज जब सूरज की रोशनी तेज होती है तो हमें हीट भी मिलती है, हमें लाइट भी मिलती है। एंड जैसे मैंने भी प्रोसेस बताया कि डे एंड नाइट कैसे होते हैं, बट जनरली वी से दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट भी ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब हमारी अर्थ सन के सामने आती है तो अर्थ का जो ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्टर्न साइड जो है, वो सबसे पहले सन के सामने आने शुरू होते हैं, इसीलिए कहते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, जो इंडिया का जो मैप पूरा होता है तो दिस साइड इज ईस्ट, ठीक है, उसके ठीक दिस एक्सट्रीम इज वेस्ट। तो ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो सबसे पहले सन के सामने आने शुरू होते हैं, सो दैट इज ईस्ट। और जब अर्थ घूमते घूमते सन के पीछे जाने लग जाती है तो जो वेस्टर्न पार्ट है, मतलब जैसे जो राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, वो सबसे बाद में मतलब पीछे आते हैं। सो दैट इज वाई वी से सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, सन अपनी जगह पर रहता है, कहीं ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में निकल आया और शाम को चला गया। दिस इज द प्रोसेस जिससे कि डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं, तो हम उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, शाम को जब सूरज डूब जाता है, जिसको हम कहते हैं सुबह कहते हैं सूरज उगना, एंड शाम को सूरज डूब जाता है तो हमें मून एंड स्टार्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चांद से भी हमें रोशनी मिलती है, मून की भी रोशनी होती है, इवन ऑन अ फुल मून डे जब पूरा चांद चमकता है तो बाहर कितनी रोशनी रहती है, और जब नो मून डे जब बिल्कुल चांद नहीं रहता है, मतलब जब अमावस्या जिसको बोलते हैं, तो कितना डार्क रहता है, अंधेरा रहता है बाहर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द नाइट वी सी द मून एंड मैनी स्टार्स। रात में मून और स्टार्स क्यों दिखते हैं ये भी मैंने आपको बताया, बिकॉज दिन में सन की ब्राइट लाइट से सब कुछ छिप जाता है। सो इन द नाइट वी सी द मून एंड मैनी स्टार्स, वी कैन नॉट सी देम ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द ब्राइट सन। सन इतना तेज होता है इसलिए हमको दिन में ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। समटाइम्स वी सी क्लाउड्स इन द स्काई, क्लाउड्स कॉज रेन, when it rains it becomes a rainy day, and sometimes after the rain we see a colorful rainbow in the sky. Sometimes we see clouds in the sky and clouds cause rain. बादल से बारिश होती है। बादल क्या है? बादल जो है जैसे पूरा वाटर साइकिल होता है कि जो वाटर बॉडीज जो होती हैं उन पे जब सन की लाइट पड़ती है सन की गर्मी से, वो उसका जो पानी है, अब गर्मियों में जैसे हम कहते हैं ना सब में रिवर्स में वेल्स में पॉन्ड में सब में पानी का लेवल कम हो जाता है। वाई? क्योंकि जो पानी होता है वो वेपर भाप बन करके बिकॉज ऑफ सन्स हीट वो आसमान में कहते हैं कि मतलब जैसे भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और ऊपर उड़ करके इट फॉर्म्स क्लाउड, जो बादल होते हैं। ठीक है, जो बहुत हिल स्टेशंस होते हैं, जो बहुत हिल्स पे जो जगह होती है वहाँ पे कई बार क्या होता है क्लाउड्स इतने नीचे आ जाते हैं कि पीपल कैन फील इट। और जब क्लाउड्स को कुछ उसका कोई शेप नहीं है, उसको क्लाउड को जो फील करते हैं ना वो लगता है क्लाउड आ गया, बादल आ गए, उसको जब हम फील करते हैं तो आर हैंड्स गेट वेट, पानी पानी हो जाता है, इट इज़ जस्ट वाटर। ठीक है, तो जो वेपर ऊपर जाती है दे फॉर्म क्लाउड, और जब बहुत ज़्यादा पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है तो इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। इसीलिए कहते हैं कि क्लाउड्स कॉज रेन। ठीक है, रेन क्लाउड्स, जैसे बारिश में क्या होता है एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा नमी होती है तो इसीलिए इतनी फिर बारिश हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए दैट इज वाई वी से क्लाउड्स कॉज रेन। बादल जो होते हैं वो बारिश कराते हैं, और जब बारिश होती है तो हम क्या देखते हैं उसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ रेनी डे। रेनी सीजन जब बारिश का मौसम होता है, जिस दिन बारिश होती है तो हम कहते हैं ना आज रेनी डे है। ठीक है, और बहुत बार आपने देखा होगा कि बारिश के बाद रेनबो दिखाई पड़ता है स्काई में। ठीक है, रेनबो देखा है ना, इट इज़ लाइक सेमी सर्कल शेप का होता है एंड देर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ठीक है, रेनबो में देर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, यू कैन सी द पिक्चर इन योर बुक, देखो रेनबो दिख रहे हैं ना। ठीक है, एंड रेनबो में जो कलर्स होते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, वे भी नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी रेनबो कैसे, व्हाई डू वी सी रेनबो इन द स्काई। रेनी सीजन के बाद, रेनी सीजन में बारिश के बाद, व्हेन द सन कम्स आउट वी सी रेनबो इन द स्काई। क्यों दिखाई पड़ता है, कैन एनीबडी टेल मी?
रेनी सीजन में ही हम रेनबो क्यों देखते हैं, वाई नॉट इन अदर सीजन। अभी विंटर्स में हमें रेनबो आप देखना चाहोगे, कभी नहीं हमें स्काई में रेनबो दिखेगा, ठीक है, समर्स में रेनबो नहीं दिखेगा। रेनबो हमें कब दिखता है, वी सी रेनबो ड्यूरिंग रेनी सीजन ओनली। वाई, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, ये आपका होमवर्क है, आप जानने की कोशिश करो। ऑफकोर्स नेक्स्ट क्लास में तो मैं बताऊंगी ही। एंड रेनबो में देयर सेवन कलर्स, और सेवन कलर्स भी प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। सम ऑफ यू मे बी नोइंग कि वो सीक्वेंस क्या होता है, इसको वेबग्योर हम बोलते हैं, एंड वेबग्योर इज एब्रीविएशन, अलग अलग कलर्स के लिए है, दैट वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो चिल्ड्रन वी हैव कम्प्लीटेड लैंड एंड वाटर, दोनों हमने द अर्थ एंड द स्काई हमने दोनों पढ़ लिया। अर्थ पे हमने लैंड एंड वाटर के बारे में पढ़ा, स्काई पढ़ा। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास रेनबो के बारे में बताऊंगी, एंड हाउ डज इट फॉर्म, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।